हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जतिन सैनी। वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्विक सॉल्यूशन। तो आज हम कंटूरिंग का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग। इससे पहले मैं कंटूरिंग के ऊपर 3 वीडियो बना चुका हूं, आप उन तीनों वीडियो को जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इससे पहले मैंने डायरेक्ट मेथड के ऊपर बनाई थी, तो आज हम बात करेंगे इनडायरेक्ट मेथड की। इसके अंदर भी हम इंस्ट्रूमेंट वही सेम यूज़ करेंगे, प्रोसेस वही सारा होगा, वही हम ऑटो लेवल यूज़ करेंगे, स्टाफ यूज़ करेंगे, प्लेन टेबल यूज़ करेंगे, टोटली सेम इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करेंगे। तो हम देखते हैं कि इस मेथड को हम करते कैसे हैं। तो जैसे सपोज ये आपके पास एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड में आपको कंटूरिंग करनी है बाय इनडायरेक्ट मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे आपके पास, आपने क्या किया, इसमें ग्राउंड में आप गए, आपने कुछ पॉइंट चूज कर लिए, जैसे आपने काफी पॉइंट ले लिए, ये आपने पॉइंट चूज कर लिए। आपने क्या किया, इन सभी पॉइंट्स की आपने हाइट मेजर कर ली विद द हेल्प ऑफ ऑटो लेवल, डंपी लेवल, आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इनकी आपने हाइट पता कर ली फ्रॉम सी लेवल, आपके पास हाइट आ गई। जैसे अगर सपोज मैं बात करूं, अब आपके पास ये पॉइंट है, इसकी हाइट आ गई आपके पास 9 मीटर, इसकी 8 आ गई, इसकी इसकी 7 आ गई सपोज, इसकी भी 9 आ गई, इसकी 8 आ गई, ये आपके पास 15 मीटर का आ गया, अब ये आपके पास आ गया 10 का, तो ऐसे आपके पास ये आपके पास 11 का आ गया, ये 12 आ गई इसकी हाइट, इसकी 15 आ गई। तो ऐसे आपने क्या करना है, ये 15 नहीं होगी, ये इसकी आ गई आपके पास 10 आ गई, ये आपके पास 9 आ गया, ये आपके पास 8 आ गया, ये आपके पास 11 आ गया। तो सपोज अब आपको क्या करना है, ये आपने इस एरिया के अंदर कंटूरिंग की, लेवलिंग करी इसकी, लेवलिंग करके आपको सभी पॉइंट्स की आपने इनकी हाइट मेजर कर ली। अब इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं कि हम इनको प्लॉट कर लेते हैं सभी पॉइंट्स को। आपने क्या किया, प्लेन टेबल लिया, किसी भी मेथड से आप प्लेन टेबल पे, या आपने इस टेबल को यहाँ पे सेट कर लिया, आपने इन सभी पॉइंट्स को इस शीट, ये मेरे पास शीट है प्लेन टेबल की, शीट के ऊपर आपने इनको एज इट इज इसको यहाँ पे लेवल किया, प्लेन टेबल को सेंटर किया, इन सभी पॉइंट्स को विद द हेल्प ऑफ एलिडेड इनको बाइसेक्ट किया और इनको प्लॉट कर दिया इस शीट के ऊपर, जैसे आप देख रहे हो, ऐसे आपने इन सभी पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया। तो अब ये 15 का है मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 9 का, ये 8 का, ये भी 9 है, ये भी 8 है, तो ये 7 है। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास 10 आ गया, ये भी 10 आ गया, 9 आ गया, 8 आ गया, ये 11 आ गया, ये 8 आ गया। तो अब देखो, अब हमें करना क्या है, अब हमें सपोज कोई कंटूर फाइंड करना है 12 का। अब आपको 12 मीटर का कंटूर, इस पूरे एरिया में 12 मीटर का कंटूर आपको फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इंटरपोलेशन करते हैं, आपने पढ़ा होगा बुक्स में। तो वो करते कैसे हैं, वही मैं आपको इस मेथड में बता रहा हूँ, सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। आपने काफ़ी बुक्स पढ़ी हूँ, आपको नहीं समझ आया होगा तो यहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अब ये देखो, अब ये आपका 15 है, तो ऐसे मैं इस लाइन को ज्वाइन कर दूँ, इसको ज्वाइन कर दूँ, इसको ज्वाइन कर दूँ, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, फिर मैंने आसपास की सभी लाइनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो अब आप एक बार देखो, आपको फाइंड करना है 12 मीटर का, तो ये मेरे पास बीच वाला 15 मीटर है, ये मेरे पास 9 मीटर है, तो मुझे फाइंड करना है 12 का, तो 12 कहीं इसके बीच में यहां लाई करेगा, इस पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया 12, ये 12 यहां लाई करेगा। ऐसे ही इसमें ये 8 है, ये 15 है, तो मुझे पता है कि ये 12 कहीं यहां बीच में लाई करेगा यहां पे। ऐसे ये भी 8 का है तो ये भी यहां लाई करेगा। ऐसे ये 9 मीटर का है, ये 15 मीटर है यहाँ पे, तो यहाँ पे 12 कहीं यहाँ पे लाई करेगा। ऐसे इसमें 7 का, ये 15 का है, तो इसमें 12 कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा। ऐसे ही आप सभी को पॉइंट को प्लॉट कर लेंगे इन लाइंस के ऊपर। अब आपने सभी प्लॉट कर लिए, ये हमारा एक अप्रोक्सीमेशन मेथड ही होता है, इसमें आप अप्रोक्सीमेटली इनको इसके ऊपर प्लॉट कर देते हो सभी लाइंस के ऊपर। तो जब आपने सभी पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया तो आप इन लाइन को ज्वाइन कर दोगे फ्री हैंड, हम इनको ज्वाइन करते हैं फ्री हैंड, हम इनको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमारे पास एक आ जाता है कंटूर।
तो ये मेरे पास एक 12 मीटर का कंटूर आ गया। ऐसे ही अगर आपको कोई फाइंड करना है, जैसे आपको 14 मीटर का करना है, तो ऐसे ही आप 14 मीटर का यहाँ पे कोई 14 होगा, यहाँ पे कर लोगे इसको, यहाँ पे होगा कोई ऐसे कर लोगे, यहाँ पे इसमें आएगा, तो इसमें आके एक आपके पास 14 का बन जाएगा। ऐसे ही आपको अगर 10 का करना है, तो 10 के जैसे एक ही मेरे पास 10 का एक ये है, एक ये है 10, इसमें यहाँ होगा कुछ 10, इसमें कुछ आगे जाके होगा 10, तो ऐसे मतलब इसमें कुछ आगे जाके होगा। ऐसे करके हम इन लाइन को ज्वाइन करते चले जाएंगे, तो ये हमारे पास एक कंटूर आ जाएगा 10 का, 10 मीटर का। तो ऐसे आप इसमें कोई भी कंटूर को फाइंड करते कर सकते हैं इंटरपोलेशन मेथड। इसको बोलता हूं मैं इनडायरेक्ट मेथड। तो ये डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। अब इसमें देखो, इसमें हम इसमें एक तो इसको हम यूज करते हैं वहां पे जहां पे हमें एक्यूरेसी की जरूरत कम होती है, एक्यूरेसी की जरूरत कम होती है और हमारे पास टाइम कम होता है किसी भी कंटूरिंग करने के लिए। जैसे डायरेक्ट मेथड मैंने आपको बताया था कि उसमें टाइम बड़ा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है और थोड़ा डिफिकल्ट मेथड है, तो ये थोड़ा इजी मेथड है, इसमें टाइम बहुत कम लगता है। आप सिंपली ऐसे प्लॉट करके इनडायरेक्टली हम कंटूर निकाल लेते हैं इनडायरेक्टली। और एक ये इजी है थोड़ा करना, तो वो फील्ड में करना थोड़ा मुश्किल है, तो ऐसे हम इस कंटूरिंग को कर लेते हैं, इसमें टाइम कम लगता है और ये जल्दी हो जाता है। तो इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे कि आपने कंटूर इस पे इनकी हाइट मेजर कर ली सभी पॉइंट्स की, तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम प्लेन टेबल लगा के, इसके लिए आपको प्लेन टेबलिंग भी आना चाहिए अगर आपको पूरी एक्यूरेसी चाहिए, पूरी एक्यूरेसी चाहिए फिर तो आपको प्लेन टेबलिंग आनी चाहिए, ताकि आप उन सभी पॉइंट्स को जो ग्राउंड पे हैं उनको एग्जैक्टली आप लोकेट कर सको। अब आपने सपोज ये एग्जैक्टली लोकेट कर लिया, तो यहाँ पे आपके कोई रोड आ गया सपोज, ऐसे तो आपने ये रोड बना दिया कि ये एक रोड आ गया, जैसे इधर आपका कोई पार्क आ गया तो आपने ऐसे पार्क बना दिया, तो ये आपका एक टॉप व्यू हो जाता है फिर, कि आपको एक मैप मिल गया उस एरिया का। अगर आपने प्लेन टेबल से आपने इसको लोकेट किया सभी पॉइंट्स को, तो आपके पास उस एरिया का मैप आ गया, तो हमने क्या किया, हमें पता लग गया कि यहाँ पे ग्राउंड है, ये रोड है, रोड का आप देखो ये 10-10 का, तो आपको पता लग गया कि रोड जो है वो सेम हाइट का रोड है वो, कि हमें इस कंटूरिंग से ये पता लग गया कि रोड की जो हाइट होगी वो सेम होगी। तो ऐसे हम इस मेथड से हम इसको कर लेते हैं। तो ऐसे ही अगर मैं इसकी एप्लीकेशन की बात करूं, तो इसकी एप्लीकेशन में क्या होगा, सपोज जैसे ये मेरे पास एक शीट है, इस पे मैंने कंटूरिंग कर ली, ये मेरे पास कुछ पॉइंट है, तो सपोज ये जैसे 10 मीटर का है, ये भी 10 का है, ये भी 10 का है, ये भी 10 का है, इन सभी पॉइंट्स को मैंने इस पे जोड़ दिया, ये मेरे पास एक कंटूर आ गया, ये 11 का है सपोज, ये भी 11 का है, यहाँ पे कोई 11 का है, इनको मैंने ऐसे ही जोड़ दिया, ये मेरे पास एक कंटूर आ गया। यहाँ पे मेरे पास जैसे ये इधर मेरे पास कंटूर है कोई, ये 8-8 के कंटूर है सारे, तो इनको मैंने जोड़ दिया। तो अब देखो, ये सपोज मेरे पास अब कोई आ गई कैनाल, कैनाल आपने कोई नहर बनाई है, तो आपको पता लग गया कि जो नहर है वो एक सेम एलिवेशन पे है, उसमें कोई ज़्यादा, वैसे तो उसमें थोड़ा डिफरेंस होगा, इसकी स्लोप होगी कुछ, लेकिन अगर मैं थोड़ा अप्रोक्सीमेटली इसको देख लूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि ये एरिया जो है इतना ये सेम स्लोप पे है, तो और ये मेरे पास कोई एरिया, इस एरिया की जो हाइट है वो सेम है, और जो दूसरा एरिया ये मेरे पास इधर कोई पार्क है इसकी हाइट अलग है, सपोज ये कोई स्लोप वाला एरिया है, तो अगर मुझे यहाँ पे मुझे कोई नहर बनानी है, कोई नई कोई रोड बनाना है, तो मुझे इसकी इन सभी पॉइंट्स की हाइट पता होगी, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि ये एरिया है जो वो हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, या प्लेन एरिया है, या कोई स्लोप है। तो इसका मुझे क्या फ़ायदा होगा, इसका मुझे फ़ायदा होगा अगर मुझे कल को यहाँ पे रोड निकालना है सपोज, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि ये पॉइंट सभी 10-10 मीटर पे है, ये रोड यहाँ पे जैसे ही जा रहा है ये 10-10 मीटर पे है, यानी कि इसकी सेम एलिवेशन है। यहाँ पे मुझे कटिंग और फिलिंग कम करनी पड़ेगी, यहाँ पे जो क्या होगा, मुझे कटिंग और फिलिंग कम करनी पड़ेगी क्योंकि ये सेम हाइट पे है, मेरा खर्चा कम आएगा। तो इसीलिए हम जो कंटूरिंग है वो करते हैं, ताकि हमें ये पता लग जाए, हम जो ऑफिस में बैठ के ये देख सकें कि ग्राउंड की टोपोग्राफी कैसी है, उसका एस्टिमेशन कर सकें, कटिंग कितनी होगी, मिट्टी निकलेगी कितनी, कितनी मिट्टी यहाँ पे डलेगी, ये हम एक अप्रोक्सीमेटली एक आइडिया लगा लेते हैं कि वो कितना उसका खर्चा आएगा। तो ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ कंटूरिंग है। आई होप कि आपको सब समझ आया होगा इसमें। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।